अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अमान फ्रॉम ट्राई एंड एंजॉय वीडियोस। गाइस, आज मिनी फिंगर्स के हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम इसके अंदर कितना फैट है, कितनी कैलोरीज हैं, शुगर, फाइबर्स, प्रोटीन, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम बताएंगे कि ये मिनी फिंगर्स कैसा है। मैंने इसको खुद ट्राई किया है और चले इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। मिनी फिंगर्स के बारे में ये बताना चाहूँगा मैं आप सब लोगों को कि इसके अंदर टोटल सर्विंग के हिसाब से दिया गया है कि पर 100 ग्राम सर्विंग्स इसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं आप सब लोगों को पढ़ के बताऊँगा कि इसके अंदर जो कैलोरीज हैं 500 कैलोरीज हैं, जो कि जो लोग डाइट पे होते हैं या फिर मतलब जिनकी कैलोरीज काउंट वगैरह करते हैं खुद लोग, तो उनके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि वो अगर ये खाते हैं तो ये पर 100 ग्राम्स पे वो 500 कैलोरीज मतलब खा रहे हैं। और सेकंड थिंग के टोटल फैट, इसके अंदर 21.6 ग्राम टोटल फैट है पर 100 ग्राम्स पे। ये बात मत भूलिएगा कि ये 100 ग्राम्स की सर्विंग पे बताया जा रहा है कि इसके अंदर 21.6 ग्राम टोटल फैट है। नाउ थर्ड थिंग इज़ सैचुरेटेड फैट, ये है 14.4 ग्राम सैचुरेटेड फैट है और सोडियम जो है 123 mg है। और द नेक्स्ट थिंग इज़ टोटल कार्बोहाइड्रेट्स 69.7 ग्राम्स और शुगर है 40.1 ग्राम पर 100 ग्राम सर्विंग पे। 40.1 ग्राम शुगर है इसके अंदर और फाइबर है 1.1 ग्राम और प्रोटीन है 6.7 ग्राम। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि इस पे लिखा हुआ है स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, बिल्कुल ठीक लिखा है इसके अंदर, क्योंकि अभी जैसे कराची का मौसम जो है, मैं आई एम फ्रॉम कराची, तो कराची का जो मौसम है अभी थोड़ा सा गर्म होना शुरू हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ी देर पहले मैंने ट्राई भी किया था दूसरे बॉक्स से। आप सब लोगों के सामने मैं इसको ओपन भी करता हूँ। ये आप सब लोगों को असल में बताने की वजह ये थी कि इस मौसम में ये जो है ना, अब वो थोड़ा बहुत पिघलना शुरू हुआ है। अब जैसे कि मैं आप सब लोगों को खोल के दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये अब जो है ना पिघलना शुरू हो गया है। मतलब इसका जो सीज़न है वो समझ लें कि ऑफ होने के बिल्कुल करीब है, तो जिसको ये ट्राई करना है वो बहुत जल्द इसको ट्राई कर लें, और अगर हो सके तो इसको पहले थोड़ा सा ठंडा करके फिर ट्राई करें। इसको ठंडा करके खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, फ़िलहाल तो ये बिल्कुल मेल्ट हो रहा है तो ये खाने के इतना मज़ा नहीं आएगा खाने में। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।